अगर आपके पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं तो आप भी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के भरोसे अपनी गाड़ियों को लेकर बेफिक्र रहते हैं तो जनाब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब चोर भी हाईटेक हो गए हैं, जो पलक झपकते ही महंगी से महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी की लग्जरी गाड़ियों पर हाथ साफ कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 से सामने आया है, जहाँ की प्रोग्रामिंग डिवाइस के जरिए चोर सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक कर हुंडई क्रेटा चुरा कर 9-2-11 हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी में सवार होकर चोर घर के बाहर आते हैं। यहां उनकी नजर बाहर खड़ी क्रेटा गाड़ी पर पड़ती है। इस बीच एक चोर गाड़ी से उतरता है और सीधा क्रेटा के ड्राइवर वाली खिड़की के पास पहुंचकर उसका शीशा तोड़ देता है। इसके बाद चोर वापस अपनी गाड़ी के पास जाता है, जहां से एक टैब लेकर वापस फिर क्रेटा के पास आता है और फिर महज 12 मिनट के अंदर उसने गाड़ी की नकली चाबी तैयार कर ली और गाड़ी लेकर फरार हो गया। मैंने शाम को 5 बजे गाड़ी खड़ी करी थी और जो कैमरे मारे हैं 3 बजे आकर उन्होंने पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा, पहले आके ट्रैकिंग करके गए, फिर दोबारा आए 5 मिनट के बाद, फिर आके गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसके बाद उन्होंने डिवाइस लगाया उसमें 12 मिनट में उन्होंने सारी गाड़ी ट्रैक करके और तब लेकर गए कि यह सेल्टोस थी साथ में ब्लैक कलर की। 3 एक ही लड़का बार बार दिखाई दे रहा है, 2 गाड़ी के अंदर बैठे दिखाई दे रहे। पुलिस में शिकायत कर दी। मैंने 6 बजे ही 112 नंबर पर कॉल कर दी थी, फिर PCR आ गई थी, उसके बाद यहाँ थाने में जाकर मैंने नवीन है HC उनको कंप्लेंट दर्ज करा दी। क्रेटा गाड़ी के मालिक राजीव राठी ने बीती रात अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी, जिसके बाद रात करीब 3 बजे राजीव की क्रेटा चोरी कर ली गई। हालांकि इस वारदात में एक ही चोर गाड़ी से उतरता नजर आया, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें 2 से 3 या फिर इससे अधिक शातिरों का हाथ भी हो सकता है। 9-10 दिसंबर की रात को चोरी हुई थी। जो सूचना पर हम पुलिस मौके पर पहुंची तो हमने वहाँ के CCTV वगैरह कैमरे चेक किए और उसमें पाया कि एक काले रंग की गाड़ी थी जो कि किया टाइप थी, उसमें एक आदमी बैठा था, एक आदमी नीचे उतर के गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो अपने लैपटॉप से पहले तो शीशा तोड़ता है, उसके बाद उसको हैक करके गाड़ी को 15 मिनट के बाद चोरी करके ले जाते हैं। तो उसके तफ्तीश कर रहे हैं हम इसके अंदर सेक्टर 6-7 ओमैक्स और सेक्टर 2 में ये समस्या है, जिससे हमें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रत्येक घर के बाद महंगी गाड़ियों को बिल्कुल बिना चौकीदार के बिना किसी उसके खड़ी कर देते हैं, जो लगातार पुलिस की हमारी गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ लगातार गश्त पर रहती हैं। काबू था 3-4 महीने के बाद ये पहली गाड़ी चोरी हुई है सेक्टर से। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या क्या? या एक अपना चौकीदार लगाए प्रत्येक गली में, कुछ जो कुछ घरों को कवर करता हो चौकीदार लगाए, या अपना कोई लोग दरवाजे वगैरह लगाए जिनके ऊपर चौकीदार बैठा हो, ताकि पुलिस के पुलिस तो हम तो साथ गश्त कर ही रहे हैं, अगर लोगों का भी सहयोग मिले अपनी गाड़ी को या तो अंदर पार्क करें या फिर बाहर चौकीदार की व्यवस्था हो, फिर आसानी से काबू आ सकती है, फिर कोई जरूरी नहीं। बता दें कि पीड़ित की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर सेक्टर 6 थाना पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, मगर अपनी नाकारा सुरक्षा व्यवस्था पर जवाब न देते हुए उन्होंने गाड़ी मालिकों पर ही सारा ठिकरा फोड़ दिया। थाने के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि सेक्टर 2 और 4 में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी घरों के बाहर पार्क करके बेखौफ सोते रहते हैं, जिसके चलते चोर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से गाड़ी मालिकों को चौकीदार रखने की भी नसीहत दी जा रही है, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए दोनों को चौकीदार या फिर गार्ड ही रखना है तो पुलिस का क्या काम रह जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, धनखड़, पंजाब के CCTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।